अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। आंचल भर ले चलो आज जीवन सफल कर ले। ओम शांति। सर्वशक्तिवान सर्व के कल्याणकारी मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा शिव की स्नेही संतान आप सर्वात्मय भाई और बहनों और सम्माननीय मंच, बहुत सुंदर विषय को लेकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, अहिंसा और श्रीमद् भागवत गीता विचार चल रहा था। जागी भोर की प्रथम किरण, जागी भोर की प्रथम किरण नजर पड़ी जो समाचार पत्र पर, चारों तरफ हिंसा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अनेकानेक न जाने कितनी घटनाओं पर नजर पड़ी। क्या यही इस देवभूमि जो स्वर्ग से भी प्रिय है, जहाँ अनेकानेक मनीषी संत महात्मय पैगंबर धर्म पिताएं उस धरा की आज ये दुर्दशा, जिस भारत का सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत गीता स्वयं भगवान के द्वारा उच्चारण की हुई वो गीता माता उस भारत देश की आज ये दशा, जहां दुर्योधनों का राज्य, जहां दुशासन, अनेकानेक द्रौपदियों के चीर हरण कर रहे हैं, कदम कदम पर हिंसा और भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। तब भगवान ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, अभ्युत्थानम् धर्मस्य, तदात्मनम् सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधुनाम्, विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। चारों तरफ धर्म होते हुए धर्म और कर्म से भ्रष्ट मानव का उद्धार करने के लिए, धर्म के नाम पर पापाचार और बलात्कार जब अति के ऊपर, भ्रष्टाचार और हिंसाएं अपनी सर्व सीमाएं पार कर जाती हैं, पाप का घड़ा भर जाता है, स्वयं गीता के भगवान आकर के, जो गीता ने हमें अहिंसा का महामंत्र दिया है, सत्यता का महामंत्र दिया है,
काम और क्रोध नरक के द्वार हैं। जो हम आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन भाई से सुन रहे थे, ऐसा अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाली गीता क्या युद्ध कराएगी? कौन सा युद्ध और कैसा युद्ध? वॉर्स आर बॉर्न इन द माइंड ऑफ मैन। आज हर व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र पर युद्ध के मैदान में है, अपने विचारों से युद्ध है, अपने आप से उसका युद्ध है। क्या करूं और क्या नहीं करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, और उसके स्वयं की ये मन की युद्ध की स्थिति उसे तनाव और निराशा में ले जा रही है। और उन निराशाओं से मुक्त होने की एक ही विधि गीता के भगवान ने हम सभी को सुनाई। सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणम व्रज तदा अहम सर्वे पापेभ्यम मोक्षिष्यामि। देह सहित देह के सर्व धर्म को त्याग कर अपने आत्म स्वधर्म में टिक, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये गीता के भगवान का संदेश जब चारों तरफ अति हुई, पाप का घड़ा भरा, धर्म पिताओं और पैगंबरों ने आते हुए भी, उनकी शिक्षाओं के होते हुए भी, निरंतर मानव मूल्यों का अवमूल्यन, नैतिक और चरित्र का ह्रास होता हुआ, केस सीरियस, गॉड इनकार्नेट्स, भगवान ने अवतरित होकर स्वस्वरूप की पहचान दी। और वो स्वस्वरूप की पहचान ही सुखद अनुभूतियां देने वाली है, आनंद और खुशी देने वाली है, हिंसा दुखदायी है। हमने काफी वर्णन सुन लिया और हम सभी जानते हैं, इसलिए उसमें न जाकर सुख शांति आनंद और खुशी की अनुभूतियों को हम करें, आत्मबल और आत्मविश्वास स्वयं में जागृत करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। अहिंसा चाहे काम की है या क्रोध की है, लोभ की है या अहंकार की है, ईर्ष्या या द्वेष की है, किसी भी प्रकार की है, हिंसा दुखदायी है, हिंसा पतन की ओर ले जाती है, अहिंसा सुरक्षा देती है, सुखदायी है। ऐसे उस परमपिता परमात्मा के महावाक्य हम स्वयं जीवन में धारण करें, दो पांव के बीच गजब की दोस्ती है, दो पांव के बीच गजब की दोस्ती है, एक आगे जाता है दूसरा पीछे रहता है, फिर दूसरा आगे जाता है पहला पीछे रह जाता है। ऐसी दोस्ती अगर मनुष्य अपने आप से कर ले तो ये भारत अभी ही स्वर्ग बन जाएगा। आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है, इसलिए हर कर्म, हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग्वेत्।
ये संदेश देने वाले गीता के भगवान ने हम आत्माओं को अपने निज स्वधर्म में पुनः इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाने के लिए, देव भूमि बनाने के लिए, जहाँ हर बालक श्री कृष्ण, हर बाला श्री राधे होगी, दैवी गुणों से संपन्न होगी, ऐसे उस भारत का पुनर्निर्माण करने के लिए आइए हम सब अपने असली स्वरूप में, जैसी हम आत्माएं उस परम धाम से, शांति धाम से इस साकार सृष्टि पर आई थी, ऐसी ही उसी स्वरूप में अपने आप को स्थित करें और उस स्वरूप की स्थिति ही सर्वात्माओं को पुनः एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म और एक कुल की वो दुनिया सतयुगी देवी सृष्टि की स्थापना का साक्षात्कार कराएगी। और हम सब जानते हैं जब पाप का घड़ा भरता है फूटेगा अवश्य, और वो पाप का घड़ा भर रहा है, अभी और भरना है। जितना जल्दी भरेगा उतनी जल्दी हम वो देवी दुनिया इस सृष्टि पर अनुभव करेंगे। तो अपने आत्मबोध को, जो गीता में ही भगवान ने हम सभी को सिखाया, तुम आत्मा हो, आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना सूखती है, ना हवा उड़ा सकती है, ना शस्त्र उसका हरण कर सकते हैं, ऐसे अपने उस अविनाशी स्वरूप में स्थित होकर के, अपने शांति और पवित्र स्वधर्म में स्थित होकर के, करण करावन हार सर्वशक्तिवान उस परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर के, जो सदा हमें श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरणा देते हैं, ऐसे उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता शिव बाबा की दिव्य स्मृति में अपनी बुद्धि को ले जाएं और स्वयं में उन शक्तियों और गुणों का आह्वान करें जो परमात्मा पिता ने अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी, जो राजयोग की शिक्षा बहुत स्वाभाविक रीति से कर्म इंद्रियों पर ना सिर्फ कंट्रोल, लेकिन कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर में ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर रखती है, तो स्वयं की स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों का कंट्रोलर और रूलर मैं आत्मा हूँ, जिसका संकल्प, जिसकी वृत्ति, जिसकी दृष्टि, जिसके बोल सदा ही श्रेष्ठ और सुखदायी है, ऐसे सुखदायी बनने के लिए, एक दो को खुशी देने के लिए, एक दो को शांति देने के लिए हम एक दो के सहयोगी बने, एक दो के साथी बने, सारथी बने, और वही सहयोग, सबसे बड़ा सहयोग आज इस समय की पुकार, सहयोग दो और सहयोग लो। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए सबकी एक एक उंगली ली और उस एक एक छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठ गया। है ना जादू? कौन सा जादू? ईश्वरीय जादू। ईश्वर का संग,
ईश्वर का साथ असंभव को संभव कर सकता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अगर मैं कहूँ इस टेबल को एक उंगली पर उठाएं, नहीं उठा सकते हैं। एक उंगली का सहयोग अर्थात हाथ में पांच उंगलियां हैं और पांचों उंगलियों की अपनी अपनी विशेषता है, अलग अलग है तो छोटी बड़ी मोटी है। पांचों को इकट्ठा कर दीजिए, ऑल आर इक्वल। और पांचों की अगर हम परिभाषा करें, अंगूठा, हमारे समाज में जो अनपढ़ वर्ग है उसके सिग्नेचर के लिए उसको यूज किया जाता है। इंडेक्स फिंगर, गॉड इज वन, हम सब एक हैं, एक ही ईश्वर की संतान, एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तीसरी उंगली पांचों उंगलियों का बैलेंस करती है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। चौथी उंगली हमारी भारतीय संस्कृति में शुभ और श्रेष्ठ है। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, तिलक दिया जाता है इस उंगली से। छोटी उंगली, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह है। गोवर्धन पर्वत इसी ने उठाया। अब हम सभी को भी ये पान का बीड़ा उठाना है, इस कलयुगी पर्वत को उठा करके सत्योगी स्वर्णिम देवी संस्कृति की पुनः स्थापना करने के लिए। हर एक स्वयं में देवी गुणों को धारण करने का दृढ़ संकल्प ले। अपने आप से हम स्वयं प्रतिज्ञा करें, वायदा करें, इन पांच विकारों के वशीभूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत, हम न दुख देंगे न दुख लेंगे। और चलिए कुछ क्षणों के लिए हम अपने उस पिता परमात्मा की दिव्य स्मृति का, स्वयं में उस शक्ति को धारण करने का जो उन विकारों पर विजय प्राप्त कराने की अनुभूति है, उस शक्ति को धारण करें। अलर्ट होकर के बैठ जाइए और अपने मन को शुद्ध शक्तिशाली संकल्प दीजिए। चारों तरफ से मन और बुद्धि को प्रकृति के मध्य एकाग्र करते हुए विचार दीजिए, मैं शुद्ध शांत पवित्र आत्मा हूं। इस शरीर रूपी रथ का रथी हूं। मुझ आत्मा की निज असली गुण शांति ज्ञान प्रेम आनंद सुख पवित्रता और शक्ति है। मुझ आत्मा के परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, मुझ आत्मा को उन सर्वशक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। विचारों को शुद्ध श्रेष्ठ और पवित्र बना रही है।
मन शांत और इंद्रियां शीतल हो रही है, और यही शांति और शीतलता मुझ आत्मा को इस शरीर रूपी रथ की इंद्रियों से कर्म करते हुए इस कर्म क्षेत्र पर शांति, शक्ति, उमंग और उत्साह और हिम्मत का वातावरण वाइब्रेशंस फैलाते हुए शक्तिशाली बनाना है, जो हर एक के अंदर की अहिंसा की शक्ति को जागृत करे, किसी भी प्रकार का ना दुख दे, ना दुख ले, सुख दे और सुख ले, ऐसी सुखदायी दुनिया बनानी है। और वो शक्तियाँ परमात्मा से अपना कर्म करते हुए, बुद्धि योग लगाते हुए स्वयं में धारण करनी है। सहयोग देना है, शांति।